तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एडवर्स सिलेक्शन या फिर लेमन प्रॉब्लम से किस प्रकार बचा जा सकता है। अगर आपके पेपर में आए कि व्हाट आर द वेरियस टूल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन या फिर लेमन प्रॉब्लम, तो आपको ये चार पॉइंट्स को लिख के आना और इनको एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन में बताऊंगा, अब जरा सुनो ये टॉपिक है क्या। बट एडवर्स सिलेक्शन या फिर लेमन प्रॉब्लम क्या है, आप लोग जानते हो कि जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी नहीं होती, हमारे पास इन्फॉर्मेशन अधूरी होती है, आधी होती है, और उस अधूरी या आधी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, उसके आधार पे जब हम कोई सिलेक्शन गलत कर लेते हैं, एडवर्स सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन गलत कर लेते हैं, और उस गलत सिलेक्शन की वजह से हमको प्रॉब्लम आती है या हमको लॉस होता है, तो उसी को बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन या फिर लेमन प्रॉब्लम। जैसे कि लेमन प्रॉब्लम की बात करूं, हमारे पास कार की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और हमने एक गलत कार को चुन लिया, गलत कार को खरीद ली। अब आगे जाके हमको समस्या हुई कि यार ये तो कार बेकार निकली। तो जब हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इन्फॉर्मेशन आधी होती है, और उसके बेस पे जब हम कोई सिलेक्शन गलत कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन। अब क्या इससे बचने का कोई उपाय है? तो बेटा एक नहीं, इससे बचने के चार उपाय हैं। देयर आर फोर पॉइंट्स, ठीक है, फोर पॉइंट्स है जो कि एडवर्स सिलेक्शन से हमको बचाएंगे। अगर बात करें पहले पॉइंट की, तो पहला पॉइंट है प्राइवेट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी ये कहता क्या है पहले समझो, देन मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं। देखो बेटा, हमारे देश में, भारत में, या फिर आप किसी भी देश की बात कर लो, हर देश में कुछ ऐसी कंपनीज होती है, कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिनका काम ही यही होता है कि वो दूसरी कंपनी को जज करे। दूसरी कंपनी को जज करने का मतलब है वो दूसरी कंपनी के बारे में बताए कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बेकार है, उन कंपनी को रेटिंग दे, 5 स्टार में से रेटिंग देखी, ये कंपनी अच्छी है इसको रेटिंग दी 5, ये कंपनी थोड़ी बेकार है इसको रेटिंग दी 4.5, उसको रेटिंग दी 4। तो ऐसी कंपनीज को इंडिया में या कहीं भी कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। आपने शायद इसके बारे में जाना होगा, सुना होगा। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो कंपनी होती है जो अलग अलग कंपनी की, अलग अलग कंपनी को रेटिंग देती है, उनके बारे में हमको बताती है कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बेकार है। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये कुछ लिखा है यहाँ पे, क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, एग्जाम्पल के तौर पे क्रिजिल। क्रिजिल क्या है? इंडिया में एक कंपनी है, और इसका काम क्या है? इसका काम है बाकी कंपनीज को जज करना, उनको रेटिंग देना, उनके बारे में बताना कौन सी कंपनी अच्छी, कौन सी कंपनी बेकार है, ठीक है। इकरा है, क्रिजिल है, सेबी है, बहुत सारी होती है, केयर है, तो अलग अलग होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसमें जिनका काम ही क्या होता है, जिनका काम ही होता है दूसरी कंपनीज के बारे में जज करना, उनको बताना। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा, मान लो कि मैंने 3 कंपनी चुनी, ए, बी या सी। अब मैं इन तीनों कंपनी में से किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन वही असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, मेरे को तो भाई नॉलेज नहीं है, मेरे को तो कंपनीज के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, कौन सी कंपनी अच्छी, कौन सी कंपनी बेकार है। तो मैंने क्या करा, मैं क्रिजिल के पास गया, ठीक है, मैं कहाँ गया, मैं क्रिजिल के पास गया, और क्रिजिल के पास जाके मैंने पूछा कि भाई साहब ए, बी और सी, इन तीनों में से कौन सी अच्छी कंपनी है, जरा मुझे बताओ, मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि इस कंपनी का, क्रिजिल का तो काम ही क्या है, इसका तो काम ही ये है दूसरी कंपनीज को जज करना, उनके बारे में बताना। तो क्रिजिल ने बोला कि देखो थोड़ी फीस लगेगी, थोड़ा पैसा लगेगा। तो क्रिजिल को मैंने फीस दी, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी होती है, और ये प्राइवेट कंपनी जो है, क्रिजिल वगैरह जो है, इकरा, क्रिजिल, ये प्राइवेट कंपनी होती है और ये फ्री में इंफॉर्मेशन नहीं देती। इसको मान लो मैंने कुछ फीस दी, और फिर क्रिजिल ने मुझे बताया कि देखो हमारी नज़रों में कंपनी बी को हम रेटिंग देते हैं 4.5, कंपनी सी को रेटिंग देते हैं 4, और कंपनी टी को रेट, कंपनी ए को रेटिंग दी 3.5। और तो वह रेटिंग के साथ साथ ये मुझे बी की रिपोर्ट देगा, ये मुझे सी की रिपोर्ट देगा, और ये मुझे एक ही रिपोर्ट देगा कि रिपोर्ट भी दी आप, हमने आपको रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हो कौन सी कंपनी कैसी है, कौन सी कंपनी कैसी है। अब मेरे पास क्या है, अब जब पहले क्या था, क्रिजिल से मिलने से पहले मेरे पास इन्फॉर्मेशन अधूरी थी, लेकिन क्रिजिल को जब मैंने कुछ फीस दी तो मेरे पास ए, बी और सी, इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई, और एक रेटिंग भी मिल गई कि क्रिजिल के अनुसार कंपनी बी अच्छी है, कंपनी बी को रेटिंग दी 4.5, और उसकी रिपोर्ट ये रही। अब बताओ,
अब जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो अब मैं आधी अधूरी नॉलेज से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या मैं पूरी नॉलेज से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अब मैं पूरी नॉलेज से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, अब मेरे को कोई भी लॉस नहीं होगा, अब मुझे कोई भी हानि नहीं होगी। तो इस प्रकार की कंपनी के माध्यम से भी हम एडवर्स सिलेक्शन से बच सकते हैं, हम ऐसी कंपनी से मिल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बेकार है। ठीक है, तो इस तरह की कंपनी के माध्यम से, ठीक है, इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के माध्यम से हम एडवर्स सिलेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन अब जरा दूसरी बात सुनो, यहाँ पे समस्या खत्म नहीं हुई, यहाँ पे एक समस्या और आ गई। अब जैसे ही मेरे को चल गया पता कि यार कंपनी बी बेस्ट, मैं कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो मैंने अब कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट करी। अब मेरा दोस्त आया और मेरे दोस्त ने आके मुझसे पूछा कि हाँ भाई कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, तो उसको मैंने सारी बात बताई कि पता है कंपनी बी अच्छी कंपनी है, उसका प्रॉफिट ये रहता है, क्योंकि मेरे पास तो रिपोर्ट है पूरी, उसका प्रॉफिट ये, उसकी सेल ये। मैंने अपने दोस्त को कंपनी बी के बारे में बताया और मेरे दोस्त ने कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब बताओ मेरे दोस्त को तो फ्री में फ़ायदा हो गया, भाई कंपनी बी की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने तो एक फ़ीस पे करी थी, लेकिन मेरे दोस्त को तो फ्री में फ़ायदा हो गया। फिर मेरे दोस्त ने आगे बताया, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया, और जैसे ही मैंने गर्लफ्रेंड को बताया, लड़कियां तो चुगलखोर होती है, सॉरी मजाक कर रहा हूँ कि लड़कियां बुरा मान जाए, मतलब जैसे ही मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया, उसने अपनी बाकी फ्रेंड्स को बता दिया। अब ऐसे करके मैंने बी में इन्वेस्टमेंट किया और मेरे वजह से सबको फ्री में इन्फॉर्मेशन मिल गई और सब ने बी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। और जैसे ही बी में इन्वेस्टमेंट बढ़ी, बी में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से बी के शेयर होल्डर्स बढ़ गए, और जैसे ही बी के शेयर होल्डर्स बढ़े, यहाँ पे मेरे को लॉस हो गया। यहाँ पे मेरे को लॉस क्यों हो गया, क्योंकि तो पहले बी के शेयर होल्डर्स कम थे। एग्जांपल के तौर पे बेटा मान लो जो बी कंपनी है उसने प्रॉफिट कमाया बेटा मान लो 100 रुपये का, और बात करूँ उसके शेयर होल्डर की तो बेटा मान लो जो बी के शेयर होल्डर थे पहले 10 थे, अब जब बी ने प्रॉफिट कमाया 100 रुपये का, बी के शेयर होल्डर ओनली 10 है, इतनी मेहनत तो आती होगी कि हर एक पर्सन को जो डिविडेंड मिलेगा वो कितना मिलेगा। अगर मैं 100 रुपये को 10 लोगों के अंदर बांटूंगा तो हर एक पर्सन को कितना मिलेगा, ₹10 का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन क्योंकि अब वो फ्री में इंफॉर्मेशन बाकियों के पास भी चली गई, जब कोई इन्फॉर्मेशन फ्री में बाकियों के पास भी चली जाती है और बाकी लोग भी उसको इंजॉय करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। तो इससे क्या हुई, इससे फ्री राइडर प्रॉब्लम क्रिएट हुई और बी कंपनी के शेयर होल्डर्स बढ़ गए। बी कंपनी का प्रॉफिट तो 200 है, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि आपने बी में लगाया अभी पैसा तो एकदम से ही बी के जो है बी के प्रॉफिट बढ़ गया। बी का प्रॉफिट तो 200 है, लेकिन अब बी के जो शेयर होल्डर्स है वो शेयर होल्डर्स बढ़कर कितने हो गए जी, शेयर होल्डर्स बेटा बढ़ के हो गए 20, और अब जो हर एक पर्सन को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अगर मैं 100 रुपये को 20 लोगों में बांटूंगा तो हर एक पर्सन को मिलेंगे ₹5। तो देखो यहाँ पे लॉस हो गया मेरा, जहाँ पे पहले मेरे को 10 रुपये मिलते थे, अब उस प्रॉब्लम को बाकी लोगों के बीच फैलने की वजह से अब मुझे केवल 5 रुपये का ही फायदा हो रहा है। यहाँ पे मेरा गेन, यहाँ पे मेरा डिविडेंड रिड्यूस हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एडवर्स सिलेक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता। हमको लग रहा था कि भाई हमको तो मज़ा आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो अगेन एक समस्या आ गई। इसका मतलब ये है कि आप एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, आप एडवर्स सिलेक्शन को कम कर सकते हो, लेकिन आप इसको जड़ से बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती ही करती है। बताओ कि आपको पहला पॉइंट क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरे को जो है एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे मेरा जो गेन है या जो मेरा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मेरा कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्राइवेट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना, मतलब उस इंफॉर्मेशन का पता लगाना और फिर पता लगाकर उस इंफॉर्मेशन को बेचना, और एक किसके द्वारा, प्राइवेट कंपनी के द्वारा, एग्जाम्पल क्रिजिल के द्वारा, इकरा के द्वारा, केयर के द्वारा। ये अलग अलग क्या है देश में, कंपनीज है जो जो बाकी कंपनीज को रेटिंग देती है।
तो जब ये कंपनी इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करती है और मार्केट में उसको बेचती है तो इसकी वजह से एडवर्स सिलेक्शन थोड़ा कम तो जरूर हो जाता है लेकिन पूरा खत्म नहीं होता। यहां पे क्या लिखा है कि एडवर्स सिलेक्शन से बचने के लिए इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंपनीज के बारे में, और इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त किस प्रकार किया जाएगा, तो जो प्राइवेट फर्म्स होती है, मतलब वही क्रिजिल, इकरा, केयर, इंडिया की बात कर रहा हूं, जो प्राइवेट फर्म होती है, वो ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को कुछ सर्विस फीस के बदले सेल करते हैं, अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो स्टॉक एनालिसिस फर्म होती है, मतलब ऐसी कंपनी जो मतलब वही अगेन स्टॉक एनालिसिस फर्म का मतलब वही है क्रिजिल, इकरा, केयर, कि जो कंपनी के स्टॉक को कंपनी को एनालाइज करती है, उनको अपर स्टडी करती है। तो जो कंपनी है ये क्या करती है, ये डेटा फ्रॉम द रिपोर्ट, जो कंपनीज की रिपोर्ट लेती है और उन रिपोर्ट के डेटा के आधार पर, मतलब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पर, कंपनी के बैलेंस शीट के आधार पर, कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर, उनके डेटा के आधार पर क्या करती है, उनको फर्निश करती है, मतलब उससे एक रिजल्ट निकालती है और इन्वेस्टर को दी देती है कि देखो ये अलग अलग कंपनी का बैलेंस शीट ये रही, इसका प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा और इसका ये कैश फ्लो ये रहा, और इसके अनुसार कंपनी ये अच्छी ज़्यादा है, ये थोड़ी कम अच्छी और ये सबसे बेकार, इन्वेस्टर को ऐसी इंफॉर्मेशन दे देती है। और इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिसके नाम मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन आप सोचो कि इस चीज़ से प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है, ऐसा नहीं है। एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होती, बिकॉज यहाँ से एक दूसरी प्रॉब्लम चालू हो गई और उस प्रॉब्लम को बोला गया फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम मतलब होता है कि एक ऐसी समस्या जहाँ पे कुछ लोगों ने पे नहीं किया इन्फॉर्मेशन के बारे में, फिर भी उनको फ़ायदा हो रहा है, क्यों, बिकॉज अदर पीपल ने, दूसरे लोगों ने पे किया था उस इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि मैंने कंपनी बी की इन्फॉर्मेशन के लिए पे किया था, लेकिन अब ये इन्फॉर्मेशन बाकियों में फ्री में फैल गई, दैट इज कॉल्ड फ्री राइडर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस व्यक्ति ने उस इन्फॉर्मेशन को परचेज किया था, प्राइवेट परचेज, जिस मतलब मैंने उस इन्फॉर्मेशन को परचेज किया था, भाई मैंने तो पैसे दिए थे ना, मेरा क्या हो गया, जो मेरा गेन था, जो मेरा प्रॉफिट था, वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स बढ़ गए, इतने सारे शेयर होल्डर बढ़ गए कि अब मुझे ही प्रॉफिट कम हो रहा है, जहाँ पे डिविडेंड पहले मेरे को 10 मिलता था, वो मेरा गेन, वो मेरा डिविडेंड अब घट गया, वो डिविडेंड रिड्यूस हो गया और मुझे अब केवल क्या मिल रहा है, 10 से घट के मुझे केवल 5 मिल रहा है। तो ये था आपका पहला पॉइंट, प्राइवेट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इंफॉर्मेशन। जल्दी से वीडियो पॉज करो और उसको नोट करो, हो गया। चलिए, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब बच्चों बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, और सेकंड पॉइंट बोलता है गवर्नमेंट रेगुलेशन फॉर इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन। अब देखो, अगर पहले वाले की बात करें तो पहले वाले ने एडवर्स सिलेक्शन को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं किया, बिकॉज पहले वाले प्रॉब्लम में एक सेकंड प्रॉब्लम जनरेट हो गई जिसको बोला गया फ्री राइडर प्रॉब्लम। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए हमारे देश की गवर्नमेंट को, हमारे देश की सरकार को कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, कंपनीज के बारे में जनता को बताना चाहिए। और ये कौन करेगा, हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश की सरकार। इससे क्या होगा, इससे सभी को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और किसी भी इंसान को पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जब ये काम गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। लेकिन इसमें भी एक समस्या है, समस्या क्या उसकी बात बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो अगर गवर्नमेंट इस इंफॉर्मेशन को, ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे, तो उससे क्या होगा, इससे जनता का भला होगा। जनता को कंपनीज के बारे में कम नॉलेज है, लेकिन जब गवर्नमेंट अपने आप से अनाउंस करेगी कि ये कंपनी ऐसी, तो जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के बारे में नॉलेज मिल जाएगी और जनता आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर याद रखना, सरकार अगर कंपनी की अच्छाई करेगी तो सरकार कंपनी की बुराई भी करेगी। ऐसा नहीं है सरकार कंपनी की बुराई नहीं करेगी, भाई सरकार को जनता के सामने हीरो बनना है, सरकार को जनता के सामने ईमानदार बनना है। पॉलिटिकल प्रेशर में आने की वजह से,
कि भैया देश में पॉलिटिक्स है, ठीक है, सरकार का दबाव है, हमको 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 चुनाव जीतना है तो हमको जनता को सच बताना पड़ेगा, हमको जनता से कुछ छुपाना नहीं है, बिकॉज जनता क्या करेगी, जनता हमको वोट देगी। तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, वोट लेने की वजह से सरकार क्या करेगी, सरकार जो सरकार सबको सच सच बताएगी, जो कंपनी अच्छी है सरकार उनको अच्छा बताएगी, और जो कंपनी वास्तव में बेकार है सरकार उसको बेकार ही बताएगी। समझ में आ गया? तो उससे क्या होगा, जनता को गुड फॉर्म, अच्छी फॉर्म और बैड फॉर्म की नॉलेज हो जाएगी, गुड कंपनी और बैड कंपनी की नॉलेज हो जाएगी। दूसरा स्टेप सरकार ये भी कर सकती है, सरकार खुद ना बोल के जो उनकी संस्था है, सरकार उस संस्था को फोर्स करे कि तुम, सरकार उस संस्था को फोर्स करे कि तुम कंपनी को बोलो कि वो सही सही इन्फॉर्मेशन जनता को पहुंचाए। जैसे कि अगर बात करें सरकारी संस्था कौन सी है, सेबी, बोले तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हमारे देश की गवर्नमेंट, मोदी जी, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार क्या करेगी, सेबी को एनफोर्स करेगी और सेबी को बोलेगी कि सेबी सुन लो, किसी भी कंपनी के बारे में झूठी अफवाह मार्केट में नहीं फैलनी चाहिए, सभी कंपनी को एनफोर्स करो, सभी कंपनी के ऊपर प्रेशर डालो कि सभी कंपनी अपनी सारी की सारी सही इन्फॉर्मेशन जनता को पहुंचाए, ताकि जनता जब इन्वेस्टमेंट करे तो जनता को पता चले अच्छी कंपनी कौन सी है और बुरी कंपनी कौन सी है। तो सेबी के ऊपर भी प्रेशर डाला जाएगा ताकि वो कंपनी को, मतलब सेबी ऐसे नियम, अब ऐसे क्या करेगा, इससे क्या करेगा, सेबी देश में नए नए नियम बनाएगा और सेबी ऐसे नियम बनाएगा कंपनीज के बारे में कि कंपनीज की बिल्कुल सही सही पहचान जनता के सामने आ सके और जनता अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी की पहचान कर सके। लेकिन आपको क्या लग रहा है, इससे जनता क्या अभी भी अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी की पहचान कर लेगी? नहीं, क्योंकि कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन तो कंपनी के पास ही होती है। सेबी कितना भी ट्राई कर ले, सेबी के पास कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, सरकार के पास कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। कंपनी की अभी भी अधिकतर जानकारी या सारी की सारी जानकारी कंपनी के खुद के पास ही होगी। तो कंपनी दो चार तो सही से बातें बता देगी, लेकिन बाकी बातें कंपनी अपने अंदर ही छुपा लेगी, बाकी अपने कंपनी के अंदर की बातें कंपनी जनता के सामने रिवील करेगी ही नहीं, कंपनी जनता के सामने बताएगी नहीं। और यहाँ पर अगेन एडवर्स सिलेक्शन हो गया, बिकॉज जनता को अभी भी पूरी प्रॉपर नॉलेज कंपनी के बारे में नहीं मिल रही, बिकॉज पूरी प्रॉपर नॉलेज तो ना सेबी को होती है ना सरकार को होती है, पूरी प्रॉपर नॉलेज तो कंपनी को खुद ही होती है। तो अगर कंपनी सरकार की वजह से, जनता की वजह से मार्केट में आकर सारी इन्फॉर्मेशन देगी भी, तब भी कंपनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, कंपनी बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो अपने अंदर ही छुपा के रख लेगी और जनता को पता भी नहीं चलेगा कि कंपनी ने क्या छुपाया। समय में आ गया? तो आपका एक ये भी है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन जारी करे इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि गवर्नमेंट ऐसे नियम बनाए कि कंपनी भी मार्केट में इन्फॉर्मेशन बताए, अपनी अच्छी और बुरी बातें जनता को बताए। यहाँ पे क्या लिखा है, When profit from privately arranged information get reduced due to free riding, जब free rider की वजह से, क्योंकि आपको पता है इससे पहले क्या था, private company ये information जारी करती थी, लेकिन उससे क्या हो गया free rider की वो information बहुत लोगों में फैल गई। तो customer prefer not to buy the information, अब बताओ मैंने बी की इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन बी की इन्फॉर्मेशन पूरी मार्केट में धुएं की तरफ फैल गई। ये इस प्रकार फैलती, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल दूं, ऐसा हम भी करते हैं, ठीक है, हम भी दूसरों को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने बी को फॉलो किया तो मेरे को देखा था कि बाकी लोगों ने बी को फॉलो किया, बिकॉज उनको मैंने बताया था कि यार मैंने बी के बारे में स्टडी करी है। आप भी फॉलो करते हो, फॉर एग्जाम्पल राकेश झुंझुनवाला जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, राकेश झुंझुनवाला जी ने मान लो कोई शेयर खरीदा, तो हम भी क्या करते थे, उन्हें वो शेयर खरीदा, चलो अच्छा शेयर होगा, चलो हम भी वो शेयर खरीदते, हम भी दूसरे लोग को फॉलो करते थे। राकेश झुंझुनवाला ने खरीदा तो हम लोगों ने भी उस शेयर को खरीदना स्टार्ट कर दिया, हम भी चाहते थे उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है, हमने भी वही स्टॉक खरीदना स्टार्ट कर दिया, हम भी क्या करते थे, फ्री राइडर प्रॉब्लम। अब जरा मेरी बात सुनो, इस फ्री राइडर प्रॉब्लम को कस्टमर ने अब प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि जब मैंने कोई इन्फॉर्मेशन खरीदी और उससे मुझे फ़ायदा ही नहीं हुआ, जहां 10 का मेरे को प्रॉफिट हो रहा था, अब केवल 5 का हो रहा है, जब उस इन्फॉर्मेशन से मुझे फ़ायदा ही नहीं हुआ,
कि मैं भी किसी और से पूछ लूंगा, मैं अपना पैसा क्यों लगाऊं, मैं खुद इंफॉर्मेशन क्यों खरीदूं, कोई खरीदेगा मैं उससे पूछ लूंगा भाई तूने कौन से शेयर में लगाने वाला है पैसा। तो इससे क्या करेंगे, कस्टमर अब इंफॉर्मेशन को बाय नहीं करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, दिस लीड टू फॉल इन द बिजनेस ऑफ फर्म टू, जो कंपनी थी जो ये इंफॉर्मेशन बांटती थी उनका भी बिजनेस कम हो गया, बिकॉज कस्टमर ने अब उन लोगों से इन्फॉर्मेशन पूछना बंद कर दिया, बस एक बंदा पूछता था और वो सारी इन्फॉर्मेशन पूरे में हवा की तरह फैल जाती थी। तो कस्टमर ने इन्फॉर्मेशन खरीदना बंद कर दिया और फर्म का बिजनेस भी डाउन हो गया। अब इसके लिए सॉल्यूशन निकाला गया कि जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को एज अ प्रोड्यूसर ऑफ इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट को एज अ प्रोड्यूसर ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलीज करनी चाहिए डेटा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज फॉर द इन्वेस्टर, कि सरकार को अभी जो काम पहले प्राइवेट कंपनी कर रही थी वो काम सरकार को करना चाहिए। सरकार क्या कर रहे हैं, सरकार प्राइवेट कंपनी के डेटा, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी जानकारी जनता के बीच में फैलाए, ठीक है। गवर्नमेंट कुड प्रोड्यूस द इन्फॉर्मेशन टू हेल्प द इन्वेस्टर, सरकार जनता के बारे में, जनता को कंपनीज के बारे में जानकारी दे ताकि इन्वेस्टर डिस्टिंग्विश कर सके कि गुड फर्म, अच्छी फर्म कौन सी है और बैड फर्म, बुरी फर्म कौन सी है, और सरकार को यह काम जनता के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए। दिस सॉल्यूशन वुड इन्वॉल्व द गवर्नमेंट रियलाइजिंग, लेकिन याद रखना जब गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करेगी, जब गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को इन्फॉर्मेशन देगी, तो याद रखना अगर कोई इन्फॉर्मेशन नेगेटिव है तो गवर्नमेंट कंपनीज की नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी देगी, बिकॉज जनता के ऊपर क्या होता है, सॉरी सरकार के ऊपर क्या होता है, पॉलिटिकल प्रेशर, भाई सरकार को जनता से वोट चाहिए और जनता से वोट को पाने के लिए सरकार क्या करेगी, सरकार जनता की नज़रों में अच्छा बनने के लिए जनता को कंपनी की सच्चाई बताएगी ताकि जनता को लगे कि भाई सरकार सही काम कर रही है, सरकार झूठ नहीं बोल रही, सरकार सही इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो अगर कोई कंपनी नेगेटिव भी होगी सरकार उसकी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी जनता को देगी, कोई कंपनी अच्छी होगी सरकार अच्छी बातें जनता को बताएगी ताकि जनता के बीच में विश्वास बढ़ सके, सरकार अपना वोट बना सके। तो पॉलिटिकल प्रेशर में आकर सरकार नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी रिलीज करेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सरकार क्या करे, रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट लाइक सेबी इन इंडिया, सरकार सेबी को बोले, मतलब सरकार खुद ना बोल के सेबी, समझते हो, इंडिया में जितनी भी शेयर मार्केट है शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली संस्था का नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। सरकार सेबी को बोले और सेबी को बोले कि सेबी सेबी अब तुम्हारा काम है कि तुम कंपनी को बोलो कि ये कंपनी अपनी सही सही इंफॉर्मेशन जनता को बताए। तो क्या करेगी सेबी, एनफोर्स द कंपनी, सेबी कंपनी को प्रेशर डालेगी टू रिवील ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ, कि वो अपने बारे में सही सही जानकारी जनता को बताए ताकि जो इन्वेस्टर है वो पता लगा सके कि फर्म कितनी अच्छी है और फर्म कितनी बुरी है, इवन विद द हैवी रेगुलेशन। लेकिन याद रखना, अब यहां समझो ये लाइन समझो, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना आपको क्या लग रहा है कि इससे एडवर्ड सिलेक्शन खत्म हो गया, आपको क्या लग रहा है कि अब जनता को पूरी पूरी प्योर जानकारी मिलेगी, नहीं, इतनी सारी रेगुलेशन होने के बाद भी एडवर्ड सिलेक्शन की प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी क्योंकि कंपनीज और फर्म को अभी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इन्वेस्टर से। क्या लग रहा है कि जो कंपनी यहाँ पे आके सारी बातें बोल रही है कि वो सारी बातें बोल रही है, नहीं, कंपनी यहाँ पे आके केवल 10% सच बताएगी, 10% बातें सही जनता को बताएगी, बाकी बातें कंपनी बताएगी ही नहीं, ना तो सेबी को, ना सरकार को, ना जनता को, बिकॉज कंपनी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है ये कंपनी को ही पता होता है, ना तो सेबी को पता, ना सरकार को पता, ना जनता को पता। जो जनता कितना भी ट्राई कर ले, सरकार कितने भी नियम क्यों ना बना ले, सेबी कितना ही ट्राई क्यों ना कर ले, सारी की सारी अधिकतर जानकारी कंपनी के पास ही रहेगी, इन्वेस्टर को कभी भी पूरी जानकारी मिल नहीं सकती, इन्वेस्टर कभी भी पूरी तरीके से जान नहीं सकता कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी बुरी है। होपफुली ये सेकंड पॉइंट पल्ले पड़ गया होगा, वीडियो पॉज करो और जल्दी से उसको नोट करो। चले जी, अब थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। भैया एडवर्स सिलेक्शन से बचने का थर्ड उपाय क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, कि अगर एक इंसान को किसी भी कंपनी के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज नहीं है तो क्या करे, वो इंसान एमवी किसी भी कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट ना करे, वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की हेल्प ले और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के माध्यम से भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है।
जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं लेमन वाले केस में कि अगर मुझे कार की नॉलेज नहीं है तो भाई मैं क्यों अकेले कार खरीदने जा रहा हूँ, मैं किसी कार एक्सपर्ट को लेके जाता हूँ ना अपने साथ, मैं किसी कार एक्सपर्ट को लेके जाऊंगा अपने साथ और मैं उस एक्सपर्ट को बोलूंगा कि भाई देखना दोनों में से कौन सी कार अच्छी है, किसका दाम क्या होना चाहिए और मैं वो कार खरीद लूंगा। अगर मैं खुद लेने जाऊंगा, मुझे कार की इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं तो पागल बन के आ जाऊंगा। तो मैं अपने साथ एक कार एक्सपर्ट को लेकर जाऊँगा, वो क्वालिटी चेक करेगा, वो क्वालिटी टेस्ट करेगा और कार का सही दाम और सही कार मुझे बताएगा। इससे क्या होगा, मुझे एक अच्छी कार मिलेगी और सही दाम पे कार मिलेगी। तो सिमिलरली अगर मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जैसे कि बैंक या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज की हेल्प ले सकता हूँ और मैं म्यूचुअल फंड कंपनीज और बैंकों के माध्यम से अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो अब इस केस में क्या करूँगा, इस केस में मैं खुद कंपनी में पैसा ना लगा के मैं उस पैसे को अपने बैंक को दूंगा और बैंक क्या करेगा, बैंक उस पैसों को अच्छी कंपनी में लगाएगा क्योंकि बैंकों को ज़्यादा नॉलेज है कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी कंपनी बेकार है। तो मैं अपना पैसा दूंगा बैंक में और बैंक उस पैसे को अलग अलग कंपनी में लगा देगा। तो यहाँ पे अब मेरा पैसा डूबा नहीं, यहाँ पे अब मेरा पैसा बर्बाद हुआ नहीं, बल्कि यहाँ पे अब मेरे को मेरे पैसे पे अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज को दूंगा, वो कंपनीज मेरे पैसों को अलग अलग कंपनी में लगाएगी और अच्छी अच्छी कंपनी में लगाएगी बिकॉज उस म्यूचुअल फंड कंपनीज को कंपनी के बारे में अधिक नॉलेज है। तो यहाँ पर अगेन मैं एडवर्स सिलेक्शन से बच गया। अगर मैं खुद इन्वेस्ट करता बेकार कंपनी में करता, अब मैं बैंक या म्यूचुअल फंड कंपनी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है, अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जैसे कि बैंक या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज आर एन एक्सपर्ट इन प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फर्म, कि इनको पता होता कौन सी फर्म कैसी है, ये एक्सपर्ट है फर्म की इंफॉर्मेशन को पता लगाने में। दैट इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड फर्म एंड बैड फर्म। ये म्यूचुअल फंड कंपनी या बैंक एक्सपर्ट है, इनको पता है अच्छी फर्म कौन सी है बुरी फर्म कौन सी है। तो क्या करते हैं, देन इट कैन एक्वायर फंड्स फ्रॉम डिपॉजिटर्स एंड लेंड टू द गुड फर्म। तो हम क्या करते हैं, ये जनता से अपना पैसा लेते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनी मुझसे पैसा लेगी और ये पैसा दूसरी कंपनी में आगे इन्वेस्ट कर देगी, ठीक है। या बैंक की बात कर लो, अब बैंक इज एबल टू लैंड मोस्टली टू गुड फर्म, क्योंकि जो बैंक है या कंपनी है ये मोस्टली अच्छी फर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे बिकॉज इनको नॉलेज ज़्यादा है। और इट इज़ एबल टू अर्न हायर रिटर्न ऑन इट्स लोन देन द इंटरेस्ट इट हैज़ टू पे इट्स डिपॉजिटर। अब ये कहना चाह रहा है कि ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, अब ये कहना चाह रहा है कि ये जनता है और ये मान लो कोई कंपनी ए है, तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कि इट इज एबल टू अर्न अ हायर रिटर्न, सुनो ध्यान से, हायर रिटर्न ऑन इट्स लोन देन द इंटरेस्ट हैज टू पे टू इट्स डिपॉजिट। बैंक ने जो ए को लोन दिया, एक तरह से बैंक ने ए में जमा करवाया पैसा, ए में पैसा इन्वेस्ट किया, अदर लैंग्वेज में बैंक ने जो ए को लोन दिया तो ए से कितना मिला, मान लो इसको मिला 10% और ये बी को कितना देगा, ये बी को केवल देगा 8% बिकॉज बीच का 2% बैंक भी तो खाएगा। तो बैंक ने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और बैंक को वहाँ से इन्वेस्टमेंट करके 10% का फ़ायदा हुआ, 2% बैंक ने अपना पैसा रखा और 8% जनता को दे दिया। और यही क्या होती है, यही होती है बैंकों की मेन इनकम, द रिजल्टिंग प्रॉफिट। रिजल्टिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ये 2% की जो रिजल्टिंग प्रॉफिट बैंकों को मिला, the resulting profit that the bank earns give it incentive to engage in this information production activity। ये 2% ही बैंकों को और एनकरेज करता है और इंसेंटिव देता है और मोटिवेट करता है कि भाई फायदा हो रहा है और अच्छी अच्छी कंपनी के बारे में पता लगाओ और अच्छी अच्छी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकालो ताकि जनता हमको और पैसा दे, हम आगे और पैसा इन्वेस्ट करें और हम और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो बीच का प्रॉफिट ही बैंकों को एनकरेज करता है वो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाले क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा व्यक्ति जो खुद इन्वेस्टमेंट करता अगर वो बैंकों के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेगा तो अब वो अच्छी इन्वेस्टमेंट करे, खुद करता तो किसी भी बेकार कंपनी में कर देता, लेकिन बैंक या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेगा तो अब एडवर्स सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया, ये आपका सी पॉइंट है, वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है। चलिए और अब आखिरी पॉइंट आता है कोलेट्रल एंड नेटवर्थ।
ये कोलेट्रल क्या होता है? तो भाई जब हम कोई लोन लेते हैं तो लोन लेते समय जब हम कुछ गिरवी रखवाते हैं सामने वाले पर्सन को, तो उसी को बोलते हैं कोलेट्रल। कि मैंने कोई लोन लिया और मान लो मैंने अपना गोल्ड रखवाया गिरवी, तो गोल्ड को बोला जाएगा कोलेट्रल। अब एडवर्स सिलेक्शन में कोलेट्रल अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरा समझने का प्रयास करो, मेरी बात सुनो। मान लो मैं किसी व्यक्ति को लोन दूं। अब मेरे को उस व्यक्ति की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, मेरे को हाफ इन्फॉर्मेशन है। तो मैं किस प्रकार चुनूं कि मुझे किसको लोन देना चाहिए, मुझे किसको लोन नहीं देना चाहिए? बिकॉज मेरे को इनके बारे में सारी जानकारी नहीं है कि मैं किसको लोन दूँ किसको लोन ना दूँ। तो अगर मुझे इस चीज़ से बचना है कि मैं लोन देना चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा डूबे ना, तो मैं किसी भी इंसान को लोन दे सकता हूँ। बस मैं उससे एक चीज़ बोलूँगा कि भाई लोन तेरे को तभी मिलेगा जब तू मेरे पास कुछ गिरवी रखवाएगा। क्योंकि जब सामने वाला व्यक्ति मेरे पास कुछ गिरवी रखवा देगा और मैं उसे लोन दूंगा, तो अब मेरे को टेंशन नहीं है। अगर वो लोन लेके भाग भी जाए या कहीं चला भी जाए तो मेरे पास तो उसका गिरवी रखा हुआ सामान है ना, मैं उससे अपना पैसा रिकवर कर लूँगा। लेकिन वही वाली बात, अगर मैं उससे कोलेट्रल ना लेता और मैंने किसी गलत इंसान को लोन दे दिया और उससे कुछ गिरवी नहीं रखवाया और अब अगर वो भाग गया, तो यहाँ पे मेरा लॉस हो गया। क्योंकि यहाँ पे मैंने उस इंसान का सिलेक्शन सही नहीं किया, यहाँ पे मैंने किया एडवर्स सिलेक्शन। तो अगर आपको इस एडवर्स सिलेक्शन से बचना है तो आपको जिसको चाहे उसको लोन दो, चाहे इंसान गलत हो चाहे इंसान अच्छा हो, चाहे आपको इस इंसान की बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन बस आप उससे कुछ गिरवी रखवा लो। जब आप उससे कोलेट्रल के रूप में कुछ गिरवी रखवा लोगे तो अब आपका सिलेक्शन गलत नहीं था। क्योंकि अगर इंसान अगर गलत भी हुआ, अगर भग भी गया, तो आपके पास क्या है? उसका कोलेट्रल है। तो अब आप उससे पैसा रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने लोन तो दिया लेकिन अब आपको कोई लॉस नहीं होगा बिकॉज आपके पास उसकी कुछ चीज़ गिरवी रखी हुई है। इतनी बात समझ में आ गई? तो वही बोलता है, एडवर्स सिलेक्शन अकर्स इफ लेंडर सफर अ लॉस व्हेन अ बोरोवर इज अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ लोन एंड देयर बाय देयर इज अ डिफॉल्ट ऑफ लेंडर। कि एडवर्स सिलेक्शन तब होता है कि जब बोरोवर जिसने उधार लिया इज अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ लोन, अब वो लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहा और उसने डिफॉल्ट कर दिया कि मैं पैसा नहीं पे कर पाऊंगा, तो भाई नुकसान तो मेरा हो गया कि वो तो पैसा लेके भग गया, नहीं वापस कर रहा पैसा। तो मैंने उस इंसान को मतलब गलत चुन लिया, मेरे को उसके बारे में पहले जान लेना था, उसकी पहले पूरी इन्फॉर्मेशन पता लगानी थी, मैंने नहीं लगाया पता, मैं मेरी मती मारी गई थी, अब तो भग गया मेरे पैसे लेके, तो मतलब मैंने गलत इंसान को चुन लिया था। लेकिन कोलेट्रल इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में लिखा है, कोलेट्रल का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्रॉमिस्ड टू द लैंडर इफ बोरोवर डिफॉल्ट। कि अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर जाए तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी मेरे पास होनी चाहिए जिससे मैं पैसा रिकवर कर सकूं, और उसी प्रॉपर्टी को कोलेट्रल कहते हैं। तो बोलता है कोलेट्रल रिड्यूसेस द कंसिक्वेंस ऑफ एडवर्स सिलेक्शन। कोलेट्रल के वजह से एडवर्स सिलेक्शन कम हो गया, अब प्रॉब्लम कम हो गई। क्यों? बिकॉज इट रिड्यूसेस द लेंडर्स लॉस इवन इन द केस ऑफ डिफॉल्ट। कि अब अगर सामने वाला डिफॉल्ट भी कर जाएगा, मेरा पैसा नहीं देगा, तब भी मेरा लॉस नहीं होगा। क्यों? बिकॉज मेरे पास उसकी कुछ संपत्ति गिरवी रखी हुई है, उसको बेच के मैं अपना पैसा निकाल लूंगा। कोलेट्रल एक्ट एज इंसेंटिव फॉर द बोथ लेंडर एंड बोरोवर। अब कोलेट्रल दोनों के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा क्यों है? अगर वो भग गया तो मैं तो उसकी संपत्ति बेच के पैसा कवर कर लूंगा, और उसके लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि मेरी बात सुनो, जब हम लोन लेने जाते हैं, अगर मैं बिना कुछ गिरवी रखवाए लोन लूंगा ना, तो लोन मुझे मिलेगा हाई इंटरेस्ट पे। लेकिन अगर मैं कुछ गिरवी रखवा के लोन लूंगा तो लोन मुझे मिलेगा लो इंटरेस्ट पे। उस व्यक्ति ने मुझे गिरवी रखवाया और अब मैं उसको लोन दूंगा तो केवल मान लो 10% पे लोन दिया, लेकिन अगर वो कुछ गिरवी ना रखवाता और मैं उसको लोन देता तो मैं उसको लोन 20% देता कि भाई तो कुछ गिरवी भी नहीं रखवा रहा मेरे पास, ठीक है भाई तक तो 20% पे करना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति जो बंदा कुछ गिरवी भी रखवा रहा है मेरे पास, तो उसको मैं लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई तो गिरवी रखवा रहा है यार मेरे पास, तो चल तेरे लिए लोन थोड़ा मैंने 10% पे कर दिया। तो याद रखना, कोलेट्रल के बेस पे दोनों को फायदा होता है। बोरोवर को जो लोन मिलता है वो काफ़ी लेस इंटरेस्ट पर मिलता है, और जबकि जो लेंडर है, लेंडर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसने कोलेट्रल के बेस पे लोन दिया है, सामने वाला बंदा भग भी गया तब भी संपत्ति उसकी मेरे पास है। कोलेट्रल वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे नेटवर्थ वाला पॉइंट। ये क्या था आपका? ये था कोलेट्रल वाला पॉइंट। अब ये नेटवर्थ
भी कोलेट्रल की तरह ही काम करता है। कैसे? तो पहले नेटवर्थ का मतलब समझो, टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। मेरी असेट में से अगर मैं लाइबिलिटी घटा दूं तो उसको बोलूंगा मेरी नेटवर्थ। मान लो मेरे पास 1,00,000 रुपए की असेट है और मेरे ऊपर 60,000 रुपए की लाइबिलिटी है, तो 40,000 जो बीच का डिफरेंस है वो मेरी क्या है? नेटवर्थ। याद रखना, जितनी ज़्यादा नेटवर्थ होगी उतना मेरे लिए अच्छा होगा, जितनी ज़्यादा नेटवर्थ होगी उतना मेरे लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नेटवर्थ इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल असेट एंड टोटल लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। अब मेरी बात सुनो, अगर हमें एडवर्स सिलेक्शन से बचना है तो हमें एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसकी नेटवर्थ ज़्यादा हो। नेटवर्थ ज़्यादा कब होगी? जब किसी कंपनी की टोटल असेट ज़्यादा होगी और उस कंपनी की टोटल लायबिलिटी कम होगी। उस कंपनी की असेट ज़्यादा है और उस कंपनी की लायबिलिटी कम है, तो मैं बोलूँगा जो उस कंपनी की जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ है ज़्यादा। याद रखना, अगर आपको एडवर्स सिलेक्शन से बचना है तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसकी असेट ज़्यादा हो, जिसकी लायबिलिटी कम हो, मतलब जिसकी नेटवर्थ क्या हो? ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि सुनो, अब मान लो मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी और मान लो मैं डिबेंचर की बात कर रहा हूँ, उस कंपनी के मैंने डिबेंचर परचेस किए, उस कंपनी के मैंने क्या किए? डिबेंचर परचेस किए। मैंने उस कंपनी को पैसा दिया, अब उस कंपनी ने आगे इन्वेस्टमेंट करी, उस कंपनी ने आगे क्या करी? उस कंपनी ने आगे इन्वेस्टमेंट करी और मान लो उस कंपनी का लॉस हो गया, उस कंपनी का बच्चों क्या हो गया? लॉस हो गया। अब ऐसे केस में वो कंपनी अगर मेरे को डिफ़ॉल्ट कर दे कि देखो हमारा लॉस हो गया है और हम आपको पैसा नहीं पे करेंगे, मैंने डिबेंचर्स परचेज किए थे, अकाउंट्स वाले बच्चे हो इतना पता होना चाहिए कि डिबेंचर्स पे तो पैसा मिलेगा। तो मेरी बात सुनो दोबारा ध्यान से कि ये मैं हूँ, ठीक है, और ये एक कंपनी है, मैंने इस कंपनी के डिबेंचर परचेज किए और इस कंपनी को बेटा मान लो, मैंने ₹1,00,000 दिए। अब इस कंपनी ने आगे इन्वेस्टमेंट करी और इन्वेस्टमेंट में इस कंपनी को हो गया लॉस और अब ये कंपनी मुझसे बोलती है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, हमारी कंपनी का लॉस हो चुका है और हम आपको पेमेंट कर नहीं सकते। अब ये कंपनी क्या मेरे को डिफॉल्ट कर पाएगी? नहीं। अगर ये कंपनी मेरे को पेमेंट करने से मना करेगी तो मैं क्या करूँगा? मैं जो है इस कंपनी के अगेंस्ट क्लेम कर दूँगा, मैं इस कंपनी के अगेंस्ट दावा कर दूँगा कि भाई मेरे को मेरा पैसा दो, मैं आपको कोर्ट तक लेके जाऊंगा। अब ऐसे केस में क्या होगा? कंपनी मेरे को मेरा पैसा दे देगी। क्यों दे देगी? क्योंकि कंपनी के पास इतनी एसेट है कि कंपनी मेरा पैसा चुका सकती है, कंपनी की नेटवर्थ ज़्यादा है। मान लो मैं ऐसी कंपनी के डिबेंचर खरीदता जिसकी असेट काफ़ी कम है और उस कंपनी का अगर लॉस होता और मैं उसके खिलाफ कोई क्लेम करता तो वो कंपनी चाहकर भी मेरे को मेरी पेमेंट पूरी नहीं कर पाती, बिकॉज उस कंपनी की ऑलरेडी असेट कम है और कंपनी ने अपनी सारी संपत्ति बेच भी दी तब भी मान लो वो मेरी पूरी पेमेंट कर नहीं पा रही। कंपनी मैक्सिमम क्या कर सकती है? अपनी सारी संपत्ति बेच देगी और सारी संपत्ति बेच के अपनी पेमेंट करेगी। यही तो होता है, इतना तो अकाउंट्स आती होगी ना कि एट द एंड कंपनी अगर इंसॉल्वेंट होती है तो अपनी सारी असेट बेचती है और सारी असेट बेच के जो पैसा आता है वो डिबेंचर होल्डर को पे करती है। अब मैंने ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी जिस कंपनी की असेट ही काफ़ी कम थी और उस कंपनी का लॉस हो गया, तो अब बताओ क्या वो कंपनी मेरी डिबेंचर की पेमेंट वापस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, बिकॉज उसकी तो नेटवर्थ ही कम है, उसके पास तो असेट ही कम है। लेकिन मैंने ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी जिसकी असेट बहुत सारी थी, अब उस कंपनी का अगर लॉस हो गया तब भी कंपनी मेरे को अपनी असेट में से मेरे को मेरी पेमेंट कर देगी, बिकॉज उसके पास इतनी सारी असेट है कि वो मेरे को मेरी पेमेंट आसानी से कर दे। तो अगर आपको एडवर्स सिलेक्शन से बचना है तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसकी नेटवर्थ क्या हो? ज़्यादा, जिसकी असेट क्या हो? ज़्यादा, ताकि कल को उस कंपनी को लॉस हो तो वो आपकी पेमेंट आसानी से कर सके, अपनी असेट में से आपकी पेमेंट कर सके। समझ में आ गया? तो वही बोलता है कि यहाँ पे जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ भी एक तरह से वर्क कर रहा है एज अ कोलेट्रल।
कि अगर एक फर्म की मान लो हाई नेटवर्थ है, उसकी नेटवर्थ ज्यादा है और इफ इट एंगेज इन एन इन्वेस्टमेंट और उस कंपनी ने मान लो कोई इन्वेस्टमेंट करी और उस इन्वेस्टमेंट से उस कंपनी का नेगेटिव प्रॉफिट हुआ, उस कंपनी का मान लो लॉस हो गया, कि एक कंपनी को मान लो मैंने पैसे दिए, उस कंपनी ने आगे इन्वेस्टमेंट करी और उस कंपनी का लॉस हो गया, सो डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट पेमेंट, और मान लो लॉस की वजह से अगर वो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को अपनी डेट पेमेंट को डिफॉल्ट करती है कि हम आपको पेमेंट कर नहीं पाएंगे, हमारा लॉस हो गया है, तो जो डिबेंचर होल्डर था, जो लेंडर था, कैन मेक अ क्लेम अगेंस्ट फर्म नेटवर्थ, वो फर्म की नेटवर्थ के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है कि कंपनी के पास बहुत सारी असेट है, इसकी नेटवर्थ अच्छी है, मेरा जो लॉस हुआ है ये अपनी असेट में से मेरे को लॉस में अपनी असेट में से मेरे को मेरी पेमेंट करेगा, बिकॉज डिबेंचर होल्डर को तो पेमेंट करनी ही पड़ती है चाहे कुछ हो जाए। तो क्या होगा, मैं उसकी असेट के खिलाफ क्लेम करूंगा कि इसके पास बहुत सारी असेट है, अपनी असेट बेच के मेरे को मेरी पेमेंट कर, तो क्या होगा, एंड टेक लिटिल ऑफ द फर्म्स नेटवर्थ, तो क्या होगा, मैं कंपनी की असेट का कुछ हिस्सा ले लूंगा, इट मीन्स मैं कंपनी से कुछ पैसे ले लूंगा, उसी असेट बिचवा के मैं अपना जो है पेमेंट ले लूंगा और मैं अपने लॉस को रिकवर कर लूंगा। याद रखना, द मोर नेटवर्थ अ फर्म है, एक कंपनी की जितनी ज्यादा नेटवर्थ होगी, द लेस लाइकली टू इट्स डिफॉल्ट, याद रखना, उस व्यक्ति उस कंपनी के जो लोग है उनका डिफॉल्ट कम होगा, एक व्यक्ति एक कंपनी की जितनी ज्यादा असेट होगी उस कंपनी के डिबेंचर होल्डर का डिफॉल्ट काफी कम होगा, बिकॉज अपने असेट को बेच बेच के वो उनकी पेमेंट कर सकता है। तो समझ में आ गया क्यों, क्योंकि फर्म के पास क्या है, अ कुशन ऑफ असेट, मतलब असेट का भंडार है, उसके पास बहुत सारी असेट है जिसका यूज वो अपने लोन को पे करने के लिए, अपने डिबेंचर होल्डर को पे करने के लिए कर सकता है। होपफुली ये आखिरी वाला पॉइंट कोलेट्रल एंड नेटवर्थ भी पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है, समय हो चुका है, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड मे ब्लेस यू, टेक केयर।